पुलित्जर पुरस्कार विजेता कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू ने मंगलवार को कहा कि उन्हें वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा अमेरिका की उड़ान भरने से रोक दिया गया। 28 वर्षीय सना को समाचार एजेंसी राइटर्स के लिए कोविड-19 महामारी से जुड़ी कवरेज को लेकर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें अवार्ड समारोह में जाने के लिए दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। सना ने ट्वीट किया, मैं पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी लेकिन मुझे दिल्ली हवाई अड्डे की आवरजन डेस्क पर रोक दिया गया और अमेरिका का वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में यह दूसरी बार है जब उन्हें विदेश यात्रा पर जाने से रोक दिया गया। कुछ महीने पहले जो हुआ था उसके बाद कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सना के रोके जाने को लेकर पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ज्ञात हो कि इससे पहले मट्टू को जुलाई महीने में फ्रांस जाने से रोक दिया गया था। तब उन्होंने बताया था कि वे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उन्हें इमिग्रेशन पर रोक लिया। उन्होंने बताया था कि उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं देने संबंधी कारण नहीं बताए गए। अधिकारियों ने बस इतना कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं कर सकते। मंगलवार को किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा, पुरस्कार समारोह में शामिल होना मेरे लिए वो मौका था जो जिंदगी में एक बार मिलता है। उल्लेखनीय है कि मई 2022 में फ्रीलांस फोटोग्राफर मट्टू ने समाचार एजेंसी राइटर्स द्वारा प्रकाशित अपने काम के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। उन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रॉयटर्स टीम के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, अमित दवे और अदनान आबिदी के साथ मिला था। इन फोटो पत्रकारों को यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के दौरान उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय काम के लिए मिला था। कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय से कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री रखने वाली सना का काम दुनिया के कई संस्थानों में प्रकाशित हुआ है। 2021 में उन्हें प्रतिष्ठित मैग्नम फाउंडेशन से फेलोशिप भी मिली थी। यह पहली बार नहीं है जब किसी कश्मीरी पत्रकार को बिना किसी सूचना के देश छोड़ने से रोका गया है। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तुरंत बाद पत्रकार लेखक गौहर गिलानी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बॉन यानी जर्मनी की यात्रा करने से रोक दिया गया था।